नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है इस वक्त की ताजा खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी के बयान पर गरमाई सियासत। पंजाब में 117 सीटों पर 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर पार्टियां जोरों से प्रचार कर रही। नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब में होने वाले चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता हुआ दिख रहा है। जिसके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी के एक बयान पर सियासत तेज हो गई है। इसमें न सिर्फ बीजेपी बल्कि आप पार्टी भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम चिन्नी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। इस दौरान वह कहते हैं कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भाया आकर यहाँ राज नहीं कर सकते। यूपी के भाइयों को पंजाब में भटकने नहीं देना है। सीएम चिन्नी के इस बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है। हम किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के उद्देश्य से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी से ताल्लुक रखती है, वह भी भाया है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पंजाब के रोपट से रोड शो निकाला था। यहां उन्होंने कहा कि उनका ससुराल पंजाब में है और उन्हें गर्व है कि उनके बच्चों में पंजाब का खून है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी ने भी कहा कि प्रियंका गांधी पंजाब की पुत्रवधू हैं और पंजाबी महिला हैं। धन्यवाद।